पुलिस अधीक्षक रामपुर शगुन गौतम द्वारा जनपद रामपुर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर रामपुर श्री विद्या किशोर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को मोहल्ला थाना 3 से 3 अभियुक्तों जुनैद मंसूरी पुत्र पुत्तन निवासी मोहल्ला थाना 3 थानागंज रामपुर, श्वेत पुत्र पुत्तन निवासी थाना 3 नियर मदमिया की मजार थानागंज रामपुर, अकरम खां पुत्र मुन्ने खां निवासी ग्राम जिठनिया थाना अजीम नगर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम थाना सिविल लाइन से चोरी किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स सामान 31 फ्रिज 10 वॉशिंग मशीन तथा 3 LED TV बरामद हुए व अन्य दो अभियुक्त इकराम पुत्र इकबाल अहमद निवासी मोहल्ला थाना 3 नियर मदमिया की मजार थाना गंज रामपुर, आशु पुत्र बच्चन मंसूरी निवासी मोहल्ला पटारी गेट थाना गंज रामपुर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस को आज एक कामयाबी मिली है, क्या है पूरा मामला सर? जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन्स पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने 3 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इनसे चोरी की 31 फ्रीज 10 वॉशिंग मशीन और 3 LED ये बरामद हुई हैं। ये मुलजिम तीनों जनपद रामपुर के ही रहने वाले हैं। दो मुलजिम जो इसमें और शामिल हैं वो भी जनपद रामपुर के ही हैं, जो अभी गिरफ्तारी को शेष हैं। बरामद की कार्यवाही करने वाली जो टीम है उस टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से नकद पुरस्कार भी दिया जा रहा है।